हाय वेलकम। कंप्यूटर साइंस की मेरी सीरीज में आज के लेक्चर का टॉपिक है मर्ज सॉर्ट। ओवरऑल हम आजकल सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं और हम पहले इंसर्शन सॉर्ट पढ़ के आए हैं। मर्ज सॉर्ट मेरी वन ऑफ द फेवरेट एल्गोरिथम्स है क्योंकि इसे समझना भी आसान है, बहुत ही इंट्यूटिव एल्गोरिथम है। इसे समझना भी आसान है और इम्प्लीमेंट करना भी आसान है एक बार आपको समझ में आ जाए तो। ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है, यानी कि फंक्शन को मर्ज सॉर्ट का जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल करता है छोटी सब प्रॉब्लम पे, और ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। इसे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं एक जॉन वॉन न्यूमैन, उन्होंने डिस्कवर किया था काफ़ी पहले 1945 में। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम बेसिकली ये होती है कि वो तुम्हें अगर बड़ी प्रॉब्लम मिलती है तो वो उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे दो पार्ट में तोड़ती हैं, उन छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और फिर उनका जो सोल्यूशन आए उसे कंबाइन कर दो। ये होती है डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रेटजी कि बड़ी प्रॉब्लम दी है उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ो, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम बनी है, सपोज़ मान लो दो बनी है, उनको सॉल्व करो छोटी प्रॉब्लम्स को यूजिंग रिकर्शन, मतलब उन्हीं प्रॉब्लम्स को वही फंक्शन आप वापस से कॉल कर दो, और जब उनका रिजल्ट आ जाए तो उन दोनों को कंबाइन करके आंसर परोस दो कि भैया आ गया आंसर। ये होती है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। मर्ज सॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो करती है। बाय द वे डिवाइड एंड कॉन्कर ऐसी स्ट्रेटजी है जो कई एल्गोरिथम में आप ये रिपीटेटिव पैटर्न देखते हो, डिवाइड करना, कॉन्कर करना और कंबाइन करना। अभी हम देखेंगे थोड़ा इस लेक्चर के अगले लेक्चर में कि क्विक सॉर्ट में भी यही पैटर्न यूज होता है। तो सपोज मतलब सपोज एक लिस्ट है 1, 5, 3, 2। क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट बेसिकली ऐसे काम करती है कि वो सबसे पहले करती है डिवाइड, और डिवाइड फेज में क्या होता है कि वो इस लिस्ट को रैंडमली दो पार्ट में तोड़ देती है। तो रैंडमली दो पार्ट में तोड़ने का लेफ्ट पार्ट बन जाता है 1.5 और राइट पार्ट बन जाता है 3.2। ठीक है, सेकेंड पार्ट आता है कॉन्कर। कॉन्कर करने में यह होता है कि इसी फंक्शन को, मान लो फंक्शन मर्ज सॉर्ट था, तो मर्ज सॉर्ट 1.5 पे कॉल होता है, और अभी के लिए मान लो कि वो सही आंसर रिटर्न करता है तो इसका सॉर्ट करके मर्ज सॉर्ट फंक्शन 1.5 रिटर्न कर देता है। इसी तरह इस पर जब तुम मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करते हो 2.3 पर मर्ज सॉर्ट तो आंसर आ जाता है, सॉरी 3.2 पर तो आंसर आ जाता है 2.3। लास्ट होता है कंबाइन पार्ट। कंबाइन पार्ट ये करता है कि उसे दो सॉर्टेड लिस्ट मिलती हैं, उन्हें वो कंबाइन करता है। वो क्या करता है कि सबसे पहले छोटा एलिमेंट देखता है इस लिस्ट में से, वो होता है 1, उसके बाद इसे हटा देता है, उसके बाद 5 और 2 को कंपेयर करता है, कहता है 2 छोटा है, 2 को यहाँ रख देता है, 2 को हटा देता है, फिर 5 और 3 को कंपेयर करता है, 3 छोटा है, 3 को हटा के यहाँ लिख देता है, फिर देखता है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो फिर 5 को यहाँ रख देता है, दोनों लिस्ट ख़त्म हो जाती है, आपका आंसर आ जाता है। इतनी सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली तीन पार्ट हैं डिवाइड, एक लिस्ट मिली है उसे दो पार्ट में तोड़ना, दूसरा पार्ट है रिकर्शन जिसमें कि फंक्शन मर्ज सॉर्ट दो बार कॉल हो जाता है अपने आप को ही, और उसके बाद तीसरा पार्ट है कंबाइन जो कि है कि भाई इन दो को सॉर्टेड लिस्ट को कंबाइन कर लो। पीडीएफ पर वापस चलते हैं। मर्ज सॉर्ट का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है, मतलब वो जो है काफ़ी फास्ट रन करती है, बड़े डेटा सेट्स पे भी काफ़ी अच्छा कंपेयर रनिंग टाइम आता है। अगर आप थोड़ा बड़ा एग्जांपल लो तो इस एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है, आपको एक लिस्ट दी हुई है 38, 27, 43, 39, 82, 10। अब पहले पोर्शन में क्या होगा कि यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट में 38, 27, 43, 3 और 9, 8, 82, 2, मतलब पहले बस इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, वो चार एलिमेंट इधर गए, तीन इधर गए। अब ये हो गया डिवाइड पार्ट, फिर मर्ज सॉर्ट इसी पर कॉल हो जाएगा, मतलब आप चाहते हो इसको सॉर्ट करना और इसको सॉर्ट करना। सपोज इसकी बात करते हैं, इस लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए फिर से वो इसको दो पार्ट में तोड़ देता है, रिकर्शन हो रहा है, 38, 27 इधर आ गया और 43 और 3 इधर आ गया। 38, 27 को
सॉल्व करना है और इसको सॉर्ट करना है। इसको सॉर्ट करने के लिए तुम जो है 38 और 27 दो पार्ट में तोड़ते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से रिकर्शन इस पे कॉल होता है और इस पे कॉल होता है। जब लेकिन मर्ज सॉर्ट 38 पर आता है तो वो कहता है कि भाई इसके लिए मुझे क्या करना है, ये तो बहुत ही सिंपल है। वो एज इट इज़ 38 रिटर्न कर देता है और 27 का मर्ज सॉर्ट 27 रिटर्न कर देता है। और जो मर्ज फंक्शन है वो 27 और 38 को मर्ज करके 27,38 रिटर्न कर देता है। इसी तरह 43 और 3 पर मर्ज फंक्शन 3,43 रिटर्न कर देता है। 9 और 82 पर मर्ज फंक्शन ये रिटर्न कर देता है। 10 पर मर्ज फंक्शन ये रिटर्न कर देता है। इन दोनों पर मर्ज कॉल होता है, ये आ जाता है। लास्ट में जब ये दो बचते हैं, बाय द वे अगर तुम गौर से ध्यान दो तो जब इसकी सॉर्ट करने के लिए जो रिकर्शन कॉल करा था वो रिकर्शन कॉल यहाँ ख़त्म होता है। इसको सॉर्ट करने में भाई तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है डिवाइड पार्ट, वो है यहाँ चालू होता है पहली लाइन में, यहाँ ख़त्म हो जाता है डिवाइड पार्ट। दूसरा पार्ट है रिकर्शन पार्ट, मर्ज सॉर्ट पार्ट, वो यहाँ चालू होता है दूसरी लाइन में और यहाँ ख़त्म होता है। इसको सॉर्ट करके मर्ज सॉर्ट रिटर्न करता है 3, 27, 38, 43। इसको सॉर्ट करके मर्ज सॉर्ट रिटर्न करता है 9, 10, 82। लास्ट पार्ट है कंबाइन पार्ट, जिसमें कि वो दोनों सॉर्टेड लिस्ट आपस में मर्ज होती हैं। मर्ज करने के लिए वही होता है कि भाई इसके हेड पर क्या रखा है और इसके हेड पर क्या रखा है, उन दोनों को कंपेयर करो। 3 छोटा है 3 रख दो, 3 को यहाँ से काट दो। फिर 27 और 9 को कंपेयर करो, 9 छोटा है 9 को यहाँ रख दो, यहाँ से काट दो। फिर 27 और 10 को कंपेयर करो, 10 छोटा है यहाँ रख दो। इस तरह चलते जाओ, मर्ज हो गया, आंसर आ गया। समझ लो ये आइडिया है। अभी हम और एग्जांपल देखेंगे अगर आपको कोई डाउट है तो। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाइथन इम्प्लीमेंटेशन की। इससे पहले कि हम बात करें पाइथन, बेसिकली जो फंक्शन होगा मर्ज सॉर्ट फंक्शन, वो एक लिस्ट लेगा इनपुट में और आउटपुट सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करेगा, जैसा कि बाकी सॉर्टिंग के फंक्शन रिटर्न करते आए। सपोज़ 140911 इनपुट है अगर, तो 0149911 आउटपुट आएगा। मर्ज सॉर्ट में ऑब्वियसली तीन पार्ट होते हैं, डिवाइड होता है, कॉन्कर होता है, कंबाइन होता है। डिवाइड करना बहुत आसान है क्योंकि सिंपली एक लिस्ट लेनी है, दो इक्वल पार्ट में तोड़ना है। कॉन्कर पार्ट जो है वो भी आसान है, रिकर्शन है, उसी फंक्शन को आपस में कॉल करना है। कंबाइन पार्ट एक्चुअली सबसे ट्रिकी है क्योंकि आपको दो सॉर्टेड लिस्ट लेनी है और उन्हें कंबाइन करके बड़ी लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम मर्ज सॉर्ट लिखें, हम कंबाइन की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रिकी यही है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। हम इस फंक्शन को कहेंगे मर्ज फंक्शन। इसका हम सबसे पहले सूडो कोड लिखते हैं। इतना अच्छा, बाय द वे सूडो कोड की जरा सी बात करूँ मैं, तो कोई भी कोड लिखने से पहले ये बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम यार उसका सूडो कोड लिखो पहले, क्योंकि अगर एक बार तुम्हें एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगी तो फिर एक्चुअल कोड लिखना बहुत आसान है। तो पहले खुद को समझाओ कि क्या करूँ मैं, सूडो कोड लिखो पहले, जैसे कि तुम इंग्लिश में लिख रहे हो या कॉपी पन्ने पे लिख रहे हो कि क्या चल रहा है। तो सूडो कोड देखते हैं। चलो, सूडो कोड जो है वो ऐसे होगा, इसको मैं क्लियर कर दूँ। सूडो कोड बेसिकली ऐसा है कि यार तुम्हें फंक्शन लिखना है डेफ मर्ज, और वो दो लिस्ट लेता है, मर्ज और वो दो लिस्ट लेता है, लिस्ट वन और लिस्ट टू, ठीक है, इनपुट में। और उसे रिटर्न करना है, फाइनल लिस्ट रिटर्न करनी है मर्ज्ड। और एक कंक्रीट एग्जांपल के तौर पे ले लो कि सपोज़ 1 और 3 लिस्ट वन है और 2 और 5 लिस्ट टू है, ठीक है, और फाइनल आंसर आना है 1, 2, 3, 5 मर्ज होकर, ठीक है। अब देखो कैसे होगा भाई। ऐसा करो, जो फाइनल आउटपुट तुम्हें भेजना है उसको एम्प्टी इनिशियलाइज कर दो शुरू में, ठीक है। और ये देखने के लिए अभी हम लिस्ट में कहाँ पर हैं, पॉइंटर रख लो, ये वाला पॉइंटर आई कह दो और ये वाला पॉइंटर कह दो जे, ठीक है। और इन दोनों, अब तुम क्या करोगे कि भाई तुम लूप चलाओगे कि
एक एक करके एलिमेंट्स देखोगे। तुम लूप तब तक चलाओगे वाइल जो आई है वो, सपोज पहली लिस्ट की लेंथ 1 थी, लेंथ 1 से छोटा है, या फिर जे जो है वो लेंथ 2 से छोटा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वाइल एनी ऑफ द लिस्ट हैव डेटा, मतलब अगर तुम इससे एग्जांपल देखो कि भाई दो गड्डियों में पत्ते रखे हैं और तुम पत्तों को अरेंज कर रहे हो, ताश के पत्तों को, तो तुम तभी तक तो करोगे जब तक दोनों पर गड्डियां खाली नहीं हो जाती। तो ये तुम वाइल लूप तब तक चलाओगे जब तक कि इन दोनों गड्डियों में कम से कम एक पत्ता रह गया है। जैसे ही दोनों गड्डियां खाली हो जाएंगी तुम लूप बंद कर दोगे, सीधी सी बात है। अब जब तुम लूप चला रहे हो तो तीन केस पॉसिबल हैं। केस वन कि दोनों गड्डियों में पत्ते हैं, बोथ लिस्ट हैव डेटा, ठीक है। दूसरा केस ये है कि गड्डी दो में पत्ते खत्म हो गए हैं, ओनली लिस्ट वन हैज डेटा, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि ओनली लिस्ट टू हैज डेटा। इतना समझ आ रहा है? यही तीन संभावनाएं हैं, या तो दोनों में पत्ते होंगे, या सिर्फ पहले वाले में होंगे, या दूसरे वाले में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता खाली हो, क्योंकि फिर यही ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती और कोड कभी अंदर नहीं आता यहाँ पर। तो केस वन में तुम क्या करोगे भाई? तुम ये देखोगे कि कंपेयर बोथ एलिमेंट्स एट हेड, कंपेयर एलिमेंट्स एट हेड, मतलब कंपेयर एलिमेंट्स एट हेड, मतलब कि अगर तुम्हारा पॉइंटर यहाँ पर है और यहाँ पर है शुरू में, तो तुम वन को और टू को कंपेयर करोगे। उनमें से जो छोटा होगा, सपोज वन छोटा है, तो ऐड स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू लिस्ट, टू आउटपुट को ऐड कर दोगे। मतलब कि तुम उठाकर वन को अपने आउटपुट में रख दोगे, ठीक है, और वन को यहाँ से स्क्रैच करना होगा। स्क्रैच करने का क्या मतलब है? रिमूव स्मॉलेस्ट फ्रॉम हेड, फ्रॉम इट्स हेड। मतलब कि अगर तुम वन रिमूव करते हो तो उसके हेड में से रिमूव करना, यहाँ कुछ टच मत करना, ठीक है। केस टू ये है कि लिस्ट वन में डेटा है तो कुछ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड एलिमेंट टू लिस्ट, टू आउटपुट, उस एलिमेंट को उठाकर सीधे आउटपुट में रख देना, ठीक है। और लिस्ट टू, केवल लिस्ट टू में डेटा है तो डायरेक्टली लिस्ट टू के एलिमेंट को एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट टू, टू आउटपुट, ऐसे करोगे। बस हो गया तुम्हारा केस। जब ये लूप चलता रहेगा, या तो जब तक दोनों में पत्ते होंगे तब इनमें जाएगा, जब कोई एक गड्डी खत्म हो गई, मान लो पहली गड्डी खत्म हो गई, केस टू में कभी नहीं जाएगा, केस थ्री में जाएगा। एक एक करके पत्ते गड्डी लिस्ट टू से पत्ते उठाता जाएगा और एंड में सारे पत्ते खत्म हो जाएंगे। खत्म हो गया, आउटपुट रिटर्न कर दो। ये बेसिक आइडिया है, समझ लो। अगर तुम पीडीएफ में देखो तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि लेट आई डिनोट द इंडेक्स जो जीरो है, जे जीरो है। तुम ये देखो कि बोथ लिस्ट में डेटा है या नहीं, कंपेयर करो हेड में। जो स्मॉलर वाला है उसके पेरेंट में से उसे हटा दो, स्क्रैच कर दो वहाँ, और उसे आउटपुट लिस्ट में जोड़ दो। और करस्पॉन्डिंग, स्क्रैच करने का मतलब यह है कि आई को बढ़ा दो आगे, आई एक पॉइंटर से आगे बढ़ जाएगा। अगर छोटा एलिमेंट ये है तो तुम आई को आगे बढ़ा दोगे, यहाँ ले आओगे, और इसको आई बराबर आई प्लस वन कर दोगे, जिससे कि अगली बार पॉइंटर यहाँ हो जाएगा। और अगर ये बड़ा होता तो तुम ये करते, लेकिन तुम एट अ टाइम या तो ये बढ़ाओगे या ये बढ़ाओगे, ठीक है। ये है सूडो कोड, बेसिक आइडिया ये है। मर्ज सॉर्ट का सूडो कोड लिखते हैं। मर्ज सॉर्ट का सूडो कोड, अगर एक बार आपने मर्ज लिख लिया ना, तो मर्ज सॉर्ट तो बहुत ही सिंपल है यार।
कंपैरेटिवली, क्योंकि मर्ज सॉर्ट जो है उसको देखो, एक लिस्ट आ रही है उसके पास तो इनपुट, ठीक है, और उसे कम रिटर्न करना। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम में हमेशा दो बातों का याद रखना, एक तो होगा बेस केस और एक होगा रिकर्सिव केस। हमने बहुत बार बात करी है इसकी। तो बेस केस तो यार ये है कि जब प्रॉब्लम इतनी छोटी हो कि उसे तुम तो हाथ से सॉल्व कर सकते हो सिंपली, तो ज़्यादा फाइट मत लो, ज़्यादा डाउन मत करो, बस सीधे बेस केस रिटर्न कर दो। तो यहाँ पर तुम ये चेक करो कि भाई इफ लेंथ ऑफ लिस्ट, अगर लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर खाली है या फिर एक एलिमेंट है, तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है ना। अगर अगर एम्प्टी लिस्ट आ रही है तो उसे सॉर्ट करने के बाद भी वही आएगी, या फिर अगर लिस्ट आ रही है जिसमें एक ही एलिमेंट है तो उसको सॉर्ट करने के बाद भी वही बचेगा। तो अगर लेंथ ऑफ लिस्ट लेस देन इक्वल टू 1 है, सिंपली रिटर्न दैट लिस्ट यार, क्योंकि वो बेस केस है, प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब तुम रिकर्सिव केस में जाओगे कि भाई ये, या फिर एल्स तुम अपने उसमें जाओगे कि वरना रिकर्सिव केस करना। तो रिकर्सिव केस में तुम क्या करोगे, तुम लिस्ट को दो पार्ट में तोड़ोगे, लेफ्ट बराबर जो तुम्हारी लिस्ट आ रही है आधी लिस्ट है ना, और राइट बराबर जो अगली आधी है ना, दो पार्ट में तोड़ दोगे लिस्ट को। उसके बाद तुम कहोगे कि सॉर्ट कर लो, तो तुम सॉर्टेड लेफ्ट बना लोगे। उसके लिए तुम मर्ज सॉर्ट को कॉल कर लोगे खुद ब खुद, मर्ज सॉर्ट ऑफ लेफ्ट, और इसी तरह राइट को सॉर्ट कर लोगे, मर्ज सॉर्ट ऑफ राइट, ठीक है, मर्ज सॉर्ट ऑफ राइट। और फिर जब ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगे तो तुम्हें बस क्या करना होगा, लेफ्ट सॉर्ट होके आ गया, राइट सॉर्ट होके आ गया, मर्ज कर दो दोनों को, रिटर्न मर्ज ऑफ सॉर्टेड लेफ्ट सॉर्टेड राइट। एंड तुम मर्ज फंक्शन अगर लिख चुके हो तो ये तुम्हारा कोड यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, मर्ज सॉर्ट इतनी सी है। आई होप आपको समझ आया होगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ इसको, मैं थोड़ा एनीवेज, ठीक है। तो चलो अब हम इसे, और यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि जो है मर्ज सॉर्ट में तीन पार्ट हैं, एक तो बेस केस यही हो गया कि भाई लेंथ अगर एक से छोटी है तो रिटर्न लिस्ट कर दो। रिकर्सिव केस ये है कि डिवाइड करो, डिवाइड में लिस्ट को दो पार्ट में तोड़ो, लेफ्ट और राइट आधे आधे पार्ट में, कॉन्कर करो। कॉन्कर करने के लिए सॉर्टेड लेफ्ट और सॉर्टेड राइट को फिर से वही फंक्शन कॉल कर लो। और लास्ट पार्ट ये है कि भाई कंबाइन करो, कंबाइन करने के लिए आपको मर्ज फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जिसकी हम बात करके आए थे, और सॉर्टेड लेफ्ट और सॉर्टेड राइट को मर्ज करके रिटर्न कर दो, आपका आंसर आ गया। तो चलो अब हम पाइथन में लाइव इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फटाफट मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हमें इम्प्लीमेंट करना होगा मर्ज फंक्शन, है ना, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। मर्ज फंक्शन लेगा जो है लिस्ट वन और लिस्ट टू, और हम ये अज्यूम करेंगे कि वो दोनों लिस्टें सॉर्टेड हैं। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें करना था कि भाई जो आउटपुट आए उसे एम्प्टी इनिशियलाइज कर दो, पहली वाली लिस्ट के पॉइंटर को ज़ीरो कर दो और दूसरी वाली लिस्ट के पॉइंटर को भी ज़ीरो कर दो। दोनों लिस्ट की लेंथ निकाल लो, लेंथ वन बराबर लेंथ ऑफ लिस्ट वन, लेंथ फंक्शन होता है सॉरी, और लेंथ ऑफ टू निकाल लो, वो जो है लेन ऑफ लिस्ट टू होता है। अब तुम ये कहो कि वाइल, अब हम वो वाइल कंडीशन लगाएंगे कि वाइल वन ऑफ, वाइल किसी भी एक लिस्ट में डेटा हो, किसी भी एक लिस्ट में डेटा हो मतलब कि उनका पॉइंटर अंदर हो, इसका मतलब आई लेंथ वन से छोटा हो और जे जो है लेंथ टू से छोटा हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब एटलीस्ट एक लिस्ट, एक गड्डी में पत्ते हैं, समझ लो एटलीस्ट एक लिस्ट में नंबर हैं, तो तुम्हारे पास तीन केस आएंगे, केस वन, केस टू, केस थ्री। केस वन ये है कि बोथ हैव नंबर्स, यानी कि आई भी एल वन से छोटा है और जे भी एल टू से, लेंथ टू से छोटा है,
ठीक है, इस केस की बात करते हैं। इस केस में तुम सिंपली कंपेयर करो, वेल चेक करो पहले, इफ आई इज लेस देन लेंथ वन एंड जे इज लेस देन लेंथ टू। ध्यान रखो ये कंडीशन ये वाली लाइन की और ये वाली लाइन की दिखने में सिमिलर है, लेकिन ये और एंड समझने वाली बात है। ये लाइन कह रही है कि दोनों गड्डियों में से किसी एक गड्डी में पत्ते होने चाहिए। ये कंडीशन कह रही है कि जब दोनों गड्डियों में पत्ते हैं, दोनों में हैं, एंड और के बीच फ़र्क है, दोनों में से कोई एक ट्रू है या फिर दोनों ट्रू हैं। अगर दोनों गड्डियों में पत्ते हैं उन इस केस तुम कंपेयर करो कि भाई ए आई सॉरी लिस्ट वन का जो एलिमेंट है और लिस्ट टू का जो एलिमेंट है उन्हें कंपेयर करो। इफ लिस्ट वन ऑफ आई इज लेस देन लिस्ट टू ऑफ जे, तो छोटा एलिमेंट कौन सा हुआ, तो सिंपली लेस देन इक्वल टू कर लो। चलो छोटा एलिमेंट कौन सा हुआ, लिस्ट वन वाला हुआ, तो उसको तुम ऐड कर दो अपने आउटपुट में, प्लस इक्वल टू लिस्ट वन ऑफ आई, छोटे एलिमेंट को प्लस कर दो, आई बराबर आई प्लस वन कर दो। अच्छा एक चीज़ अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं फटाफट। सपोज मैं पाइथन इंटरप्रेटर खोल रहा हूँ कि अगर पाइथन में जैसे प्लस ऑपरेटर जो होता है वो ओवरलोडेड होता है, कहने का मतलब यह है कि आप देख सकते हो 1 + 2 3 आता है, लेकिन आप इसी तरह लिस्ट भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं एक लिस्ट लूँ 1, 2 और उस पर प्लस करूँ 3, 4 तो ये दोनों लिस्ट जोड़कर 1, 2, 3, 4 रिटर्न कर देंगे, समझ रहे हो। अगर एम्प्टी लिस्ट लूँ और उसमें मैं एक लिस्ट ऐड कर दूँ 1 तो आउटपुट 1 बन जाएगा। तो उसका मैं फ़ायदा इस लाइन में उठा रहा हूँ कि आउटपुट एक एम्प्टी लिस्ट है, उसमें मैं एक नई लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें एक ही एलिमेंट है छोटा वाला, तो वो जुड़ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो जो भी लिस्ट होगी आउटपुट बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, सपोज 1, 2 है, थोड़ी देर के बाद उसमें 3 जुड़ेगा तो वो 1, 2, 3 हो जाएगा, समझ लो। तो वो यहाँ पर मैंने किया, आई को मूव कर दो, जे को टच मत करो, अदरवाइज आपको क्या पता है कि लिस्ट वन वाला जो है बड़ा है, लिस्ट टू छोटा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कर दो कि एस बार जे को ऐड कर दो और जे को बढ़ा दो भाई, तो ये आपका केस कवर हो गया, ठीक है। केस टू आपका कवर हो गया। अब केस थ्री की बात करते हैं, केस वन आपका कवर हो गया, केस टू की बात करते हैं। एल एफ जो कि एल सेफ होता है, आई इज लेस देन लेंथ वन, इसका मतलब जो आई है उसमें पत्ते हैं। इस केस में तो सही है, तो तुम उठाओ, कुछ कंपेयर ही नहीं करना क्योंकि उसी लिस्ट में पत्ते हैं, उस तो एक एक करके पत्ते उठाते जाओ और पत्ते जाओ, आई बराबर आई प्लस वन, ठीक है। एल्स तुम्हारी लास्ट कंडीशन है, इसका मतलब तीसरी गड्डी में पत्ते होंगे। शुरू में तुम क्या क्या आए थे कि कम से कम किसी एक गड्डी में पत्ते हैं, तो अगर दोनों में नहीं है, लेफ्ट वाली में नहीं है तो राइट में होना ही होना पड़ेगा, तो ये एकदम सही है प्रोग्राम। लिस्ट टू ऑफ जे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी खाली हो, ठीक है, जे बराबर जे प्लस वन, ये तुम्हारा केस थ्री हो गया। इसको डाल दो कमेंट को, ठीक है, ये तुम्हारा केस थ्री हो गया, रिटर्न कर लो, रिटर्न। अब तुम्हें अपने प्रोग्राम को टेस्ट करना है तो तुम भाई टेस्ट कर लो, प्रिंट मर्ज ऑफ, कैसे टेस्ट करोगे, सॉर्टेड ये तुमने इनपुट दिया 1, 2 और एक और सॉर्टेड इनपुट दिया 5, 6, 7, या फिर एक्चुअली और बेहतर लो -1, -1, 0, 7, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, मर्ज हो के सही आंसर आए, है ना। यहाँ से एग्जिट करो और यहाँ पाइथन मर्ज सॉर्ट में मैंने डाला है, रिटर्न आउटपुट में एरर है भाई, रिटर्न आउटपुट में क्या एरर है, रिटर्न आउटपुट में एरर है, ओ मेरी टैब गलत थी, पाइथन मर्ज सॉर्ट डॉट पी वाई और उसमें बहुत बड़ा बग है कोई। आउटपुट इज इक्वल टू नहीं भाई, आउटपुट में प्लस करना है,
वरना आउटपुट को प्लस करना था, ठीक है। तो मैंने एक गलती कर दी, बग ये था कि आउटपुट को प्लस इक्वल टू करना था। तो अगर मैं मर्ज करता हूँ 1, -1 सपोज, तो मैं -1, -1 देखूँगा। अगर मेरे पास 1, 2 है, -1, -3, -5 है, तो अगर मैं रन करता हूँ तो आई एक्सपेक्ट सही आंसर कि भाई सही से मर्ज हो गए, -1 पहले लग गया, फिर 1 लग गया, फिर 2 लग गया, फिर 3 लग गया, फिर 5 लग गया। तो हमारे पास यहाँ पर मर्ज फंक्शन अब हमने लिख लिया है और टेस्ट भी कर लिया है। तो मर्ज सॉर्ट लिखना काफ़ी आसान है, चलो हम फटाफट से उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मर्ज सॉर्ट को एक इनपुट लिस्ट मिलती है, तो सबसे पहले तो यार बेस केस टैकल करो। बेस केस यह है कि इसकी लेंथ निकालो, और अगर लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है तो सिंपली लिस्ट रिटर्न कर दो, कुछ और नहीं करना। एल्स रिकर्सिव केस टैकल करो, ठीक है। तो रिकर्सिव केस में तुम सबसे पहले मिड पॉइंट निकालो लिस्ट का, तो वो तो सिंपली तुम लेंथ डिवाइड बाय 2 कर लो, ठीक है, और लिस्ट को लेफ्ट और राइट दो पार्ट में निकाल लो। तो लेफ्ट हो गया तुम्हारा लिस्ट ऑफ 0 टू मिड, राइट हो गया लिस्ट ऑफ मिड टू एंड। अच्छा, ये जो सिंटैक्स है उसे समझ लो। अगर सपोज तुम्हारे पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और उसका मिड है मान लो 3, ठीक है, 3 पॉइंट है इंडेक्स। एक्चुअली बेटर एग्जांपल लेते हैं, सपोज तुम्हारे पास लिस्ट है 21, 24, 25, 26, 93, सपोज मिड पॉइंट है इंडेक्स 3, ठीक है। तो तुम अगर लिखते हो एल ऑफ 0 to 3, तो क्या आता है, 0 फर्स्ट और सेकंड, 3 एलिमेंट आएंगे 21, 24, 25। और अगर तुम लिखते हो एल ऑफ 3 colon, तो तीसरे इंडेक्स से, इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, यहाँ पर आएगा 0, 1, 2। हमेशा लास्ट वाली वैल्यू नहीं होती है इंक्लूडेड, फर्स्ट होती है। तो यहाँ पर थर्ड इंडेक्स और लास्ट वाला इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स ले लिया जाएगा। ये हो गया राइट पार्ट, तो यहाँ पर तुमने राइट पार्ट ले लिया। एक बार तुम्हें राइट पार्ट मिल गया तो तुम उन्हें सॉर्ट कर लो। तो ये तुम्हारा हो गया, इसे कहते हैं डिवाइड फेज, ठीक है, तुम्हारी जो है डिवाइड फेज से गुजर रही है। अब तुम आओगे कॉन्कर फेज में, भाई सॉर्टेड लेफ्ट बराबर सॉर्टेड, सॉरी इसी फंक्शन को वापस कॉल कर लो, मर्ज सॉर्ट ऑफ लेफ्ट, सॉर्टेड राइट और मर्ज सॉर्ट ऑफ राइट, ठीक है। अब तुमने कॉन्कर कर लिया, सॉरी, तो कंबाइन कर दो, कंबाइन करने के लिए रिटर्न कर दो मर्ज ऑफ जो तुम लिख कर आए थे, सॉर्टेड लेफ्ट, सॉर्टेड राइट, हो गया। अब इसे टेस्ट कर लो, टेस्ट करने के लिए प्रिंट मर्ज सॉर्ट। सबसे पहले सिंपल टेस्ट करो 1, -1, इस पे ये अगर नहीं चल रहा है तो कोड में बहुत जोर से प्रॉब्लम है। बूम, सही चल रहा है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट करो, -7, 9, 25, -3, 11, 15, डजंट मैटर, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, -7 सबसे छोटा है, -3, -1 से लेकर 25। तो ये थे यहाँ पर तुमने मर्ज सॉर्ट जो है बिना किसी मुश्किल के इम्प्लीमेंट कर ली, जो है ये तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ गया। ये तुम्हारी मर्ज फंक्शन था, और उसके बाद तुमने मर्ज सॉर्ट लिखा, वो नीचे था, और तुमने उसे टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ पर। आज हमने बात करी मर्ज सॉर्ट की, मर्ज सॉर्ट की डिटेल में हमने बात करी, उसे समझा, हमने ये भी समझा कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम की पैराडाइम क्या होती है। मर्ज सॉर्ट को हमने पाइथन में इम्प्लीमेंट भी किया और सूडो कोड भी लिखा। जनरली मर्ज सॉर्ट अगर बड़ा डेटा सेट है, गिवन कि इतनी सिंपल एल्गोरिथम है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मर्ज सॉर्ट यूज़ करें, अनलेस डेटा सेट बहुत छोटा है।
इसका रनिंग टाइम काफ़ी अच्छा होता है कंपेयर टू इंसर्शन सॉर्ट। अगले लेक्चर फाइनल सॉर्टिंग के लेक्चर में हम टाइम करेंगे तीनों एल्गोरिथम को, इंसर्शन सॉर्ट को, मर्ज सॉर्ट को और क्विक सॉर्ट को, और तुम देखोगे कि सपोज़ हमारे पास 1 लाख नंबर होते या 10 लाख नंबर होते तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो मर्ज सॉर्ट तुरंत रिजल्ट दे देता और बैठे रहोगे तुम, हम देखेंगे और हम बैठेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट बैठा ही रहेगा। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक और बहुत ही एफिशिएंट और अच्छे एल्गोरिथम की, जो है क्विक सॉर्ट। देखते रहिए, थैंक यू, गुड बाय।